ओम शांति। मेरा नाम शरीर का मुन्नी है और मैं 2011 से ज्ञान में चली हूँ। इससे पहले तो मैं भक्ति करती थी। भक्ति करते करते भक्तों को ही भगवान मिलते हैं। तो एक दिन एक बहन मिली और उसने मेरे को बताया कि आप ब्रह्मा कुमारी में चलो, कि वहाँ अपने पिछले जन्मों का भी ज्ञान मिलता है कि हम पीछे जन्म में क्या थे। तो मेरे को बहुत अच्छा लगा, मैंने कहा मैं चलूँगी। और फिर मैं उनके साथ आश्रम में आई और मैंने 7 दिन का कोर्स किया। 7 दिन का कोर्स में हमें सबसे पहले अपनी पहचान मिलती है कि हम कौन हैं। हम शरीर को ही मैं समझ रहे थे, लेकिन इस शरीर को चलाने वाली शक्ति जो मैं आत्मा हूँ, जिसको एक रूह भी बोलते हैं, प्राण भी, वही मैं हूँ। मैं शरीर नहीं हूँ। तो यहाँ आके अपनी स्वयं की सत्य पहचान मिली कि मैं रियल में सत्य कौन हूँ और फिर मेरा पिता कौन है। जब आत्मा का ज्ञान हुआ तो पिता से का भी हुआ कि वो निराकार परम पिता परमात्मा, निराकार शिव, जो सर्व आत्माओं का पिता है, और वो ब्रह्मा तन में आकर हम बच्चों को सत्य गीता का ज्ञान दे रहे हैं। गीता का भगवान शिव परमात्मा है। बाकी भक्ति में सारी दुनिया श्री कृष्ण को भगवान मानती है, लेकिन परमपिता परमात्मा शिव ने गीता का ज्ञान दिया। जब गीता का ज्ञान श्री कृष्ण को दिखाते हैं और श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, तू मुझे इन आँखों से नहीं देख सकता, मैं तुझे दिव्य दृष्टि दूंगा तब तू मुझे देख सकता है। जबकि अर्जुन श्री कृष्ण को देख रहा है, पर कौन सी शक्ति ज्ञान दे रही है जिसे वो नहीं देख रहा है। इसलिए गीता का ज्ञान श्री कृष्ण ने नहीं दिया, उस शिव पिता निराकार परमात्मा ने दिया। और श्री कृष्ण अर्जुन को कह रहा है कि हे अर्जुन, मैं वहाँ रहता हूँ जहाँ सूर्य चांद सितारों की रोशनी नहीं पहुँचती। जबकि श्री कृष्ण तो यहीं रह रहा है, उनको 5 तत्वों का शरीर है। अब कौन सी शक्ति ज्ञान दे रही है जो यहाँ नहीं, वो चांद सितारों के पार जहाँ सूर्य की रोशनी नहीं पहुँचती, वहाँ निराकार परमपिता परमात्मा ब्रह्मा के तन में आके सच्चा गीता का ज्ञान दे रहे हैं। और परमात्मा को ही कहा कि श्री कृष्ण ने कहा कि हे अर्जुन, इस देह और देह के संबंधों को भूल, मुझे याद कर, तो मैं तुझे सब पापों से मुक्त कर दूंगा और तुझे राजाओं का राजा बना दूंगा। तो परमात्मा, जो ऐसी सुंदर सृष्टि थी, हमारे भारत का इतना गायन है कि हमारा भारत सोने की चिड़िया था, इतना सुंदर था, जहाँ देवी देवताएं राज्य करते थे, लक्ष्मी नारायण का राज्य था, सुख शांति थी, भगवान फिर से वही था, उसी दुनिया की स्थापना करने के लिए ब्रह्मा के तन में अवतरित हुए हैं। और ये कोई ऐसी कोई एक धर्म की संस्था नहीं है, ये सर्व धर्म के लिए ज्ञान है, क्योंकि ये परमपिता परमात्मा का प्रजापिता ईश्वरीय ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय है, जिसे हर धर्म के लिए ये ज्ञान है। जिसको परमात्मा को हमने इतना याद किया कि वो ज्ञान का सागर है, परमपिता परमात्मा शांति का सागर है, प्यार का सागर है, आनंद का सागर है। परमात्मा की महिमा में हम गाते हैं, वो दुख हरता सुख करता है, वो पतित पावन है। हमने भक्ति में इतना समय उनको गाया कि पतित पावन आओ, विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा, पार ब्रह्म परमेश्वर तुम सबके स्वामी, कि आप पार ब्रह्म में रहने वाले हो, आप सबके स्वामी हो,
हम आरती जब गा रहे थे तो हमें कुछ समझ नहीं आ रहा था। जब हमें परमात्मा पिता ने आके आत्मा का ज्ञान दिया तो हमें समझ आया कि वो परम पिता परमात्मा हमारा पिता है। क्योंकि अगर माँ समझने से बच्चे याद आते हैं और डॉक्टर समझने से पेशेंट याद आते हैं और आत्मा समझने से परमात्मा याद आता है। भक्ति में हम अपने को देह समझ रहे थे तो भगवान को भी हम देहधारी समझ रहे थे, तो देहधारी भगवान नहीं है। भगवान वो निराकार है जो जन्म मरण रहित है। वो एक ही बारी सृष्टि पर आकर ब्रह्मा के तन के द्वारा इस पुरानी सृष्टि को नई बनाते हैं, इस भ्रष्टाचारी दुनिया को श्रेष्ठाचारी बनाते हैं और इस दुर्गति हुई दुनिया को सबको गति सदगति देने आते हैं। वो परमपिता परमात्मा का कार्य इस ब्रह्मा कुमारी संस्था में अभी चल रहा है और यहाँ आने से हमारे सारे घर के कलह क्लेश दुख अशांति सब कुछ मिट जाते हैं। मैं भी जब इस संस्था से नहीं जुड़ी थी, मैं बहुत बीमार रहती थी, मेरे को डिक्स की प्रॉब्लम थी और 2008 में मेरी सर्जरी हुई थी डिक्स की। और मैं ऐसे ही रहती थी जैसे कोई जीवन में कोई खुशी नहीं है, कोई उमंग नहीं है, बस ऐसे ही कुछ काम किया, कभी कभी रेस्ट किया, जैसे कहते थे भाई वजन नहीं उठाना, ये भारी काम नहीं करना। और जैसे ही मुझे अपना परमात्मा के पास आके अपना सत्य परिचय मिला तो जैसे एक नई ऊर्जा जागृत हुई, एक नया जीवन मिला। तो उस तब से मैं कभी भी बीमार भी नहीं हुई। 2008 में मेरी सर्जरी हुई थी। तो इतना जीवन सुखमय हो गया कि भगवान हमें जीवन जीने की कला सिखा रहा है कि कैसे हमें जीवन जीना है और कैसे हमें अपने आप को खुश रखना है। क्योंकि स्वस्थ रहने के लिए सबसे बड़ी खुराक है खुशी। तो वो खुश रहना सिखा रहा है। वो कह रहा है सबसे पहले आप अपना ध्यान रखो, चाहे कुछ भी चला जाए लेकिन हमारी खुशी ना जाए, हम सदा खुश रहें। जब हम सदा खुश रहेंगे तो सदा स्वस्थ रहेंगे, और जब हम सदा स्वस्थ रहेंगे खुश रहेंगे तो औरों के को भी खुशी बांटेंगे और औरों को भी हम सहयोग दे सकेंगे। तो मेरा यही आप सबसे संदेश है कि इस प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय से आप जरूर जुड़ें और 7 दिन का कोर्स करें और अपने जीवन को सुखमय बनाएं, आनंदमय बनाएं। रियल में ये प्रॉपर्टी भी दुनिया की प्रॉपर्टी, उसके आगे कुछ भी नहीं है। जो रियल शांति हम फील करते हैं, जो रियल सुख हम फील करते हैं, वो परमात्मा से आत्मा फील करती है। वो कहीं भी हम किसी धन से, पैसे से, किसी संबंध से नहीं मिल सकता, हमें हम नहीं खरीद सकते। वो जो परमात्मा से हमें यहाँ प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में मिल रही है, मैं आपको यही कहूँगी कि आप जरूर इस विद्यालय से जुड़ें और अपने जीवन को सुखमय, आनंदमय, शक्तिशाली बनाएं। ओम शांति।